कटिहार में युवा कांग्रेस के बैनर तले कांग्रेस कमेटी कार्यालय राजेंद्र आश्रम में आगामी 3 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में राहुल गांधी की आगमन पर जन आकांक्षा रैली को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक की अध्यक्षता युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मंत्री पासवान ने किया तो मंच संचालन युवा कांग्रेस नेता निक्कू सिंह के द्वारा किया गया। बैठक में पूर्व सांसद कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में यूपीए के महागठबंधन के द्वारा भाजपा को सबक सिखाना है। उन्होंने नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सुशासन बाबू का क्या स्थिति है वो जाहिर है। उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राफेल मुद्दे पर जेपीसी जांच कमेटी से बीजेपी पीछे हट रही है, दाल में जरूर कुछ काला है। राम मंदिर पर उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर देश के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सिर्फ चुनावी मौसम में ही इन लोगों को राम याद आ रहे हैं। उन्हीं में कांग्रेस का क्या मुद्दा होगा? किस मुद्दा तो बहुत स्पष्ट है, तो केंद्र सरकार का की जो विफलताएं हैं हर मुद्दे पर उसको हम उजागर करेंगे, और बिहार सरकार की नीतीश सरकार की जो विफलताएं हैं खासतौर पर कानून व्यवस्था को लेकर जो स्थिति उत्पन्न हुई है आज बिहार, उसको लेकर पूरे बिहार के लोग एक प्रकार से बहुत बेचैन हैं और ये मान रहे हैं कि आज की जो वर्तमान नीतीश सरकार है वो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जो अपने आप को सुशासन बाबू कहा करते थे आज पूरी तरह से विफल है।